बीकेबी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी हेडाउ। वेयर स्पेशल इसीलिए बिकॉज वी हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस हियर। और हमारे साथ जो शख्सियत है उन्हें एक्चुअली जान पहचान इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम ले लूँगी, शक्ल दिखा दूँगी, आप पहचान जाएंगे। वैसे कहते हैं ना कि डायलॉग डिलीवरी हो या फिर बड़े पर्दे पर हमें एंटरटेन करने की बात, 3 दशक से ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं और बखूबी एंटरटेन कर रहे हैं। चाहे रुलाना हो, चाहे हंसाना हो, चाहे दोस्त बनाना हो, इन लोगों ने सब कुछ किया है। एंड मैं कहती हूँ कि आजकल की जनरेशन तो इनसे इंस्पिरेशन लेती है। अंदाज अपना अपना हो या फिर कयामत से कयामत तक हो, अंदाज अपना अपना कि भला आपको याद होंगे, या फिर कह सकते हैं कि शकल अका बुम बुम सीरियल के आपको टाइगर तो ज़रूर याद होंगे। और जो दूसरी शख्सियत है उनके बारे में तो क्या कहें, उन्हें आप 3 दशक से देखते आ रहे हैं। उनकी जर्नी 1988 से शुरू हुई है एंड अब तक जारी है। वेलकम वेलकम बैक ही नाम मुझे याद आता है, और बल्लू का कैरेक्टर तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। वी हैव शहजाद खान जी एंड मुश्ताक खान जी एंड बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मोइज़। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सर 3 दशक हो चुके हैं आप लोगों को हमें एंटरटेन करते हुए, क्या कहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? सबसे पहले नागपुर के वासियों को मेरा सलाम आदाब नमस्ते। और रहा एंटरटेनमेंट का सवाल, तो भाई ऐसा है कि मेरे फादर अजीत साहब वो खुद मेरे ख्याल से 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया। मैं सिर्फ लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और हमारे सीनियर्स से जो सीखा है उसी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुश्ताक जी आप इस जर्नी को कैसे देखते? बॉलीवुड जर्नी मेरे लिए एक सुहाना सफ़र रहा है। सुहाना सफ़र इसलिए कहूँगा क्योंकि जब आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलता है तो आप पीछे सारे जो कांटे मिलते हैं, दुख दर्द होते हैं, तकलीफ़ होती है, उनको भूल जाते हैं। क्योंकि जब आपको कोई एक जगह मिल जाती है, कोई एक मकाम मिल जाता है, तो फिर आपको लगता है यार सब ठीक है। जब लोग आपको पहचानने लगें, मीनाक्षी मेरा इंटरव्यू लेने लगे, सजाद भाई के पास मैं बैठा हूँ और नईम भाई मुझे अपने प्रिंस कैफ़े के लिए बुलाएं कि साहब आइए हमारी ओपनिंग में, तो इज़्ज़त मिल रही है, शोहरत मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडस्ट्री के बारे में बस यही है कि भाई मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, और सबसे बड़ा शुक्र है उस अल्लाह का जिसने कि इस मकाम तक पहुँचाया। ऑफकोर्स माँ बाप, भाई, दोस्त, अहबाब, सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा साथ है, उनकी दुआएँ हैं हमारी, उनको कभी नहीं भूलेंगे। मुश्ताक जी आपने इतने जॉनर्स में काम किया है, डिफरेंट जॉनर्स में काम किया, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? अभी जॉनर क्या बताऊँ मैं, जॉनर तो मैं एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल सारे जॉनर होना चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कोई भी रोल करता हूँ ना तो मैं ये नहीं देखता कि उसमें कॉमेडी है क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, मैंने हर तरह की। लेकिन क्या हुआ कि मेरी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसकी वजह से मैं लोगों ने ज़्यादातर मुझे कॉमेडी रोल देना शुरू किया। एक थी मेरी हमें रही प्यार के जो 93 में रिलीज़ हुई थी, और सेम टाइम पे एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी उसका नाम था सर। सर में मेरा नेगेटिव रोल था, वो भी बहुत अच्छी चली थी, लेकिन जब हमें राय प्यार की आई तो उसने उस सर के ऊपर से निकल गई, उस सर के ऊपर निकल गई, बहुत अच्छी चली थी वो। तो वो क्या होता है कि जब आप किसी भी फिल्म में, उसमें क्या हुआ कि हमें राय प्यार की बहुत ज़्यादा हिट हुई, तो फिर लोगों ने फिर उसी तरह के रोल देना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है प्रोड्यूसर डर के, नहीं यार उसको वही रोल देता, उसको वो रोल देता, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ब्रेक करना, समझे ना। तो बना दिया फिर वो कॉमेडियन। बट व्हाट आई बिलीव एज एन एक्टर, मैं एज एन एक्टर रोल करता हूँ और कोशिश करता हूँ इसको जो उसकी डिमांड है उसको पूरा करें। अब उसमें हाँ ये बात सही है कि मैं थोड़ा सा ग्लैमर उसके जगह मतलब मजाहिया ज़्यादा ह्यूमरस उसको करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि इंजॉय करो उसको, पहुँचता है वो। और अभी एक कहीं ना कहीं एक सिनेरियो चेंज हुआ है कोविड के बाद से, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, और अभी बॉलीवुड डिजिटल में तब्दील हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ कदम रख चुका है, आपका क्या टेक है? बहुत अच्छी बात है, पहले एक लिमिटेड ऑडियंस थी, अब अनलिमिटेड ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, सबको काम मिल रहा है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नई नई स्क्रिप्ट स्टोरीज आ रही है, गुड कंटेंट आ रहा है एंड लोग इन्जॉय कर रहे हैं। आपको शायद पता ही है या पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई मस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू कि MX पे एक सीरियल आई, वेब सीरीज़ आई थी आश्रम बॉबी डेओल की, दैट डिड अराउंड 3,400 करोड़ बिजनेस। और अभी हाल ही में करण जौहर साहब की फिल्म आई शेरशाह,
उसने कुछ 4,000 करोड़ का बिजनेस किया. सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, इज डूइंग वेरी गुड एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट. बट ये इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग थिएटर जाना बंद करें. थिएटर का अलग मजा है और होम थिएटर का अलग मजा है. जैसे बीवी और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है ना, बीवी तो घर के लिए होती है. वेरी ट्रू. मुश्ताक जी, टेलीविजन या फिर बॉलीवुड, बड़ा स्क्रीन? ऑफ कोर्स बड़ा स्क्रीन. आई लव बड़ा स्क्रीन मोर बिकॉज यू नो दैट बड़ा स्क्रीन एक बड़ा स्क्रीन होता है. इवन मतलब माई सेल्फ, मतलब जो मैं फिल्में भी देखता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं ना उतना इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ मैं छोटे पर्दे पर. जब तक कि वो मेरे को मज़ा आता है कि आप थिएटर जा रहे हैं, आपने टिकट ख़रीदा है और आप 2.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वॉट एवर इट इज़, आप एक कमरे में बंद होकर के या एक हॉल में बंद होकर के आप फिल्म देख रहे हैं और सिर्फ फिल्म देख रहे हैं. वहाँ पर ये नहीं है कि वो घर में टीवी, अरे हो गई चाय बन, अरे तुम खाना तो खा लो, अरे कोई आया, अरे देख यार कौन है, अरे थोड़ा इसको बंद कर, फिर उसमें ऐड आ गया ये. नो नो नो, व्हेन यू आर वॉचिंग अ मूवी, यू आर वॉचिंग अ मूवी, तो वो पूरा कंसंट्रेशन आपका, पूरी सारी चीज़ें होती हैं. तो इसलिए मैं ज़्यादातर फिल्में टीवी पे नहीं देखता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग. मज़ा अलग है बड़े स्क्रीन का कहीं ना कहीं. मुश्ताक जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अब चेंज और सिनारियों में बहुत आ चुका है. पहले की फिल्मों में, अब की फिल्मों में, मेकिंग्स में, चाहे वो कास्टिंग में हो, बहुत डिफरेंस आ चुका है. वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ बहुत बन रही है, मैसेज मूवीज़ बहुत बन रही है. अभी हीरो बेस्ड मूवी नहीं रही है, ज़माना है कि अब हीरो की ज़रूरत नहीं है. इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि देखिए, चेंज इज मस्ट, जो भी होगा चेंज तो होना चाहिए. सर्किल अपना साइकिल चलती रहती है, तो फिल्में तो बनना चेंज होगी. सारे चीज़ें, हर चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती. हमारे वो ज़माने पे पारिवारिक फिल्में बना करती थी, घर गृहस्थी, संस्कार, संसार, है ना, भाई भाई, देवर भाभी, भाभी, इस तरह की है ना, माँ बाप, ये सब. अब देखिए, अब उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं क्योंकि अब चेंज हो गया, तो ऑडियंस भी चेंज होती है, सब हो गया. और डिपेंड करता है ना कैसा. और मैं तो समझता हूँ कि आज की डेट में, और एक अच्छी बात है फ्रेंकली, जो आपने अभी बोली कि कोई भी हीरो हीरो वो नहीं है, तो हीरो सब्जेक्ट होता है. और वाकई हीरो सब्जेक्ट अगर है, आपकी कहानी सब हीरो है, तो फिर आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं. व्हाट आई बिलीव, मैं जब छोटा था, मैं बिल्कुल जब बच्चा था, जब मैं 4 साल या 5 साल का था, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी दादी से मेरे को बहुत प्यार था, समझे ना, दादी और नानी से मुझे बहुत प्यार था. तो मेरी दादी कहानियाँ सुना कर आया करती, मेरी नानी भी बहुत कहानियाँ सुनते बेटा, और हम लोग ऐसा सुनते थे रजाई में दो करके, ये हो गया कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. तो मैं, आप मुझे बताइए, वहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है. दादी कहानी बता रही है, लेकिन वो कहानी में इतनी सच्चाई होती थी कि वो ऐसा कान लगा के सुनते थे वो, और सुनकर ऐसा नींद आ जाती थी. तो क्या है अट्रैक्शन, क्या है अट्रैक्शन, क्या है यहाँ पे, हीरो कौन है? हीरो 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 नानी भी या दादी भी नहीं है, कहानी है कि भाई अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ दादी, फिर क्या, फिर बेटा ये हुआ, ये हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ. तो कंटेंट, तो अगर आप कहानी अच्छी रहेगी आपकी, तो वही बात फिल्मों में भी है, कहानी आगे चलती, आप कुछ भी आने दो, कोई भी आने दो, कोई भी हीरो हो. इसीलिए आज आप देख रही हैं कि नए नए लड़के आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. ये है कि अच्छे एक्टर होना चाहिए, अगर आपको मिल जाते हैं और कहानी अगर आपकी अच्छी मिल जाती है, तो 100% आपको फिल्म चलेगी और लोग देखेंगे, पसंद करेंगे. लास्टली भाई, दर्शकों की डिमांड जरूर होगी, बल्लू बल्लू बल्लू, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, जल्दी बता दो, बल्लू गुस्सा आता तो क्या होता है? अभी मैंने थोड़े नीचे मैंने वो एक डायलॉग सुना दिया है, वो समझे ना. तो बल्लू जो एक करेक्टर है, हाँ, वेलकम का था, बड़ा अच्छा करेक्टर था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है. और थैंक्स टू अनीस बज़मी जो डायरेक्टर थे उसके. और उसे क्या होता है कि आपको जब कोई ऐसा करेक्टर मिल जाता है, डायरेक्टर एक्चुअली करेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, डायरेक्टर का और राइटर का बहुत बड़ा होता है. जब हमको ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो हमारी जो तकलीफ, हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाती है. मतलब कि भाई अब हमको इतना अच्छा रोल मिल गया है, इतनी अच्छी लाइन मिल गई है, और इतना अच्छा डायरेक्टर मिल गया है, तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर अपने आप निकलती रहती है लाइन. तो उसके लिए तो वड़ा पाव आ गया है. सो जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, वो अगर नहीं खाई तो फिर क्या खाया? वड़ा पाव तो बनता है, वो भी मुश्ताक जी के साथ और शहजाद जी के साथ. वड़ा पाव बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वड़ा पाव जो एक ऐसा स्नैक है जो कि बहुत ही क्विक स्नैक है, और ये खाना बनता है, तो आप लोग वड़ा पाव टेस्ट तो ज़रूर करेंगे. वड़ा पाव यहाँ का, एक्चुअली वड़ा पाव से इंस्पायर्ड होकर मैकडोनल्ड्स ने बर्गर शुरू कर दिया. एंड वड़ा पाव इज अ कम्प्लीट मील, स्नैक के साथ साथ ये कंप्लीट मील है, तो इसे हम कंप्लीट मील समझ के खाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और यहाँ पर आपको 51 फ्लेवर, वाह. लेकिन जहाँ तक वड़ा पाव का सवाल है,
तो मैं ये समझता हूँ कि वड़ा पाव जो है ना मीनाक्षी जी, वड़ा पाव एक मुंबई के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए वो एक फैशन होगा, वड़ा पाव, वड़ा पाव सब फैशन है, वड़ा पाव चलते हैं, नो, लेकिन वड़ा पाव में इमोशन, इसमें इमोशन है, बहुत ही दर्द भरी कहानी, दर्द है इसमें, आई एम टेलिंग यू। बड़ा अभी मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, बहुत जल्दी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या है वड़ा पाव। वड़ा पाव एक इमोशनल कहानी इसलिए है कि सबको लगता है कि ये वड़ा पाव, वड़ा पाव क्यों है? मुंबई में जो आदमी स्ट्रगल करता है, जो संघर्ष करता है, किस तरह अपना मकाम हासिल करता है, कहाँ सोता है, क्या खाता है, आप उस पर जाइए तो आप पता चलेगा कि वड़ा पाव क्या है। वड़ा पाव एक खुराक है, एक गिज़ा है जो आपको पूरा सेटिस्फाई करती है कि आपने एक वड़ा लिया, पाव को चीरा, उसके अंदर डाला, थोड़ी चटनी ली और आपने हाथ में रखा, दुकानदार से लिया जो भी पैसे, कम से कम पैसे में मिलता था, उसको लिया आपने और उसको आपने खाते हुए आप लोकल ट्रेन की तरफ चले गए, या किसी ने दो ले लिया जो ज़्यादा जिसको चाहिए, पानी पिया, सो गए। तो ये पूरी खुराक है वड़ा पाव। वड़ा पाव कोई फैशन नहीं है, कोई ये नहीं कि भाई चलो वड़ा पाव, नहीं, वड़ा पाव आपकी, आपके पेट की आग बुझाता है। इसलिए आज मुंबई में वड़ा पाव, खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वड़ा पाव होता है, जिसको खा करके लोगों ने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है और अपनी एक जगह बनाई है। इसलिए क्योंकि हमने भी वड़ा पाव हो या पाव भाजी हो, है ना, या उसल पाव हो, ये सारी चीज़ें ये खा करके हम, क्योंकि ये बहुत ही इजीली और बहुत सस्ती चीज़ें होती थी भाई। जब हम ना सहजल भाई जब होते थे वड़ा पाव, मतलब पैसे नहीं होते थे यार, वो होटल में जाकर के रोटी सब्जी खाएंगे तो यार 10 रुपये लग जाएगा या 5 रुपये या 7 रुपये लग जाएगा। ये उस वक्त जो है 8 आने में 12 आने में रुपये में, है ना, 2 वड़ा पाव मिल जाते थे। और उसके बाद भी धीरे 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 ये वड़ा पाव इतना फेमस हो गया कि हर कोई उसको, अच्छा पैसा कमाने वाला भी, अच्छा रईस आदमी भी उसको खाने लगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद भाई, आ गया वड़ा पाव। लो साहब, नईम भाई ने हमें ये वड़ा पाव ला करके दिया है जी। अब देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वड़ा पाव में आप खूबसूरती देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे और शहजाद भाई को, और मेरे लिटरली मेरे मुँह में जो है पानी आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं कब, आप लोग मतलब अगर नहीं देख रहे हो तो मैं कब खाना इसको शुरू करूँ, तो मैं खाना ज़रूर शुरू करूँगा इंशाल्लाह इसको। मैं अच्छा पक्का ये फ्लेवर कौन सा है? पनीर, पनीर का वड़ा पाव, आओ और जानो क्या बात है। सो एंडिंग अ कॉन्वर्सेशन विथ वड़ा पाव की बाइट, क्योंकि माया नगरी के एंटरटेनर्स हैं और वड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या गया? आज मुफ्त में मिलेगा, कल पैसे देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच शहजादी और मुश्ताक जी आपके कीमती समय के लिए। छोटा सा एक बहुत नन्हा सा मेहमान हमारे साथ है और वो बहुत अच्छा एंटरटेनर है, उससे जरूर बात करूंगी। हाय। हाय। आपको एंटरटेन करना कब से पसंद आ गया? मेरा तो सपना रहा है जब से मैं 5 ईयर्स ओल्ड का था, तब से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। ये सपना कब आया? सपना आधी रात को। आधी रात को क्या बोला सपने में आकर किसी ने? किसी ने बोला अगर मेहनत करना है तो तभी नहीं देखना पड़ता। अरे बाबा रे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो हम भी खाएंगे और बड़ा पाव आप लोगों को खिलाएंगे। दिस इज मनीष साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।